अब हमारे बीच में मुख्य अतिथि राजरत्न अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपोते हमारे बीच में हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। अब माननीय अम्बेडकर जी से मैं प्रार्थना करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित करें और भगवान वाल्मीकि जी को पुष्प अर्पित करें। अब मैं जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोले भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जब भी हम अपने सद्धर्म के अनुसार कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग तीर्षण पंचशील का सामूहिक संगायन करते हैं। जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो यहाँ जगह खाली है, हमारी जो बहन है, जो हमारी माँ है, वो सारे बच्चे लोग इधर आके बैठ जाएंगे चप्पल निकाल करके, और जो भी उपासक लोग चेयर पे खड़े हैं वो अपना कैप उतार करके, अपना चप्पल निकाल करके अपने चेयर के सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ करके। मैं जैसे बोलूँगा आप लोग वैसे बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये हम अपने पुरानी परंपरा में आ रहे हैं, हम अपने पुराने क्या नाम है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम अपने पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए हम अपनी पुरानी परंपराओं को, उस पुरानी महान परंपरा को हम पुनः क्या नाम है सीखने के लिए आए हुए हैं। तो कि आप लोगों ने जो घूंघट कर रखा है, थोड़ा घूंघट भी खोल लीजिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में ऐसा घूंघट का कोई प्रथा नहीं है। सर के ऊपर जो टोपी हटा लेते हैं, जब हम वंदना करते हैं भगवान बुद्ध की, भगवान के जमाने में भी और आज भी जहाँ पर राजा लोग हैं, जैसे थाईलैंड हुआ या कंबोडिया हुआ, जब भगवान के मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं तो अपना ताज उतार करके वंदन करते हैं। बड़ा ही उत्साह है, बड़ा ही उमंग है, बड़ा ही जोश है कि आप सब अपने पुरानी महान परंपरा को पुनः धारण करने के लिए, पुनः अपने जीवन में उतारने के लिए बड़े ही उत्साह पूर्वक हम सबसे पहले हमारी जो परंपरा है, हम क्षमा याचना करते हैं, फिर शील याचना करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं दी जाती है, उसके लिए निवेदन करना पड़ता है। तो जिन्होंने अभी भी, या दूसरी बात कि जो कोई कुछ खा रहा हो प्लीज़ वो अपना मुंह साफ कर ले, जो कोई कुछ खा रहा हो वो अपना मुंह साफ कर ले, क्योंकि हम सद्धर्म को धारण करने के लिए आज तक आप लोगों ने जिन परंपरा, जिन कथा भागवत, जिन सारी चीज़ों को आपने सुना, वहाँ पर क्या किया, कैसे किया, हमें उससे नहीं मतलब है। हम अपनी इस महान परंपरा को सीखने के लिए आए हुए हैं, तो हमारी जो महान परंपरा है, हम उस महान परंपरा के अनुसार अपने को शुद्ध करते हुए, अपने को परिपूर्ण करते हुए, हम इस चीज़ में अपने आप को आज स्थापित करके संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज बहुत महान दिन है, आज ही के दिन हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में हमको हमारा धर्म, जो इस भारत वर्ष का था, हमारा धर्म हमको दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करके हम सबके जीवन को ऐसी सद्धर्म से जोड़ा है, जिस सद्धर्म पे चल करके सारी दुनिया के लोग सबसे आगे निकल गए हैं, और जो कोई भी चल रहा है वो आगे जा रहे हैं। तो आप लोग शांत के साथ मेरे साथ बोलेंगे तीन बार बोलेंगे, साधु साधु साधु, बोलेंगे ओ कास वंदामि भन्ते मय
मायाकृतं सर्वं अपराधं अमतु मे भन्ते द्वितीयमपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारत्तेन मायाकृतं सर्वं अपराधं अमतु मे भन्ते द्वितीयमपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारत्तेन मायाकृतं सर्वं अपराधं अमतु मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत बोलिए आम भन्ते फिर बोलेंगे ओकाश अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम् ओकाश अहं भन्ते ईशरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते तदियम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत बोले आम भन्ते फिर बोलेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं बोलि आं भन्ते पानाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादान वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेशमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर मज्ज पमादठान वीरमणि सिक्खापदं समादियामि तीन बार सभी लोग बोलेंगे साधु 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 कितना टेक्स्ट होगी
साधु 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 तीसरण स पंच शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शीलं संपादेत। बोलो आम बंते। आप सबने अपने भारतवर्ष की महान परंपराओं को धारण करने का जो काम किया है, आप सभी लोग अब शील और सदाचार शील संपन्न उपासक उपासिका हो गए। आपने उन महान परंपराओं को पुनः अपने जीवन में धारण करने का काम किया है, जिस पे चलकर के सारी दुनिया के लोग आज अपने कल्याण करने के साथ अपने देश को बहुत मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये जो आपने त्रिशरण और पंचशील का संगायन किया, ये हमारे जीवन का पैरामीटर है, सुख का, शांति का, जीवन में आगे बढ़ने का। ये हमारे जीवन को शुद्ध सही शील सदाचार पे ले जाने की वो परिपाटी है, जिस पे चल करके जैसे हमारा कपड़ा हमारे अंगों की रक्षा कर रहा है, हमारे लज्जा की रक्षा कर रहा है, हमको ठंडी से बचाता है, हमको गर्मी से बचाता है। ऐसे आपने ये जो त्रिशरण और पंचशील का सामूहिक संगायन किया है, जब आप इनका पालन करोगे तो आपका भी रक्षा ऐसे ही करेगा, जैसे हमारा कपड़ा हमारे लज्जा की रक्षा करता है, ऐसे ही ये हमारे शील हमारी रक्षा करते हैं। एक एक शील को हम पालन करेंगे तो हमारा शील जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा होगा, जितना हम उसको कड़ाई के साथ पालन करेंगे, वो हमारा उतना साथ देगा। तो सभी लोग एक बार हाथ जोड़ेंगे, हम दो मिनट के लिए मंगल कामना करेंगे, क्योंकि हम जब इस महान परंपरा को संगायन करते हैं तो मंगल कामना की जाती है। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विजाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो यनोत्तरो पुरिषदम्म सारथि स तदेव मनुसानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुवाकातो भगवता धम्मो सन्दीटिको अकालिको यहि पासिको उपनायको पाचतं वेदितभो व्योहिति धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उज्जपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो इयं पतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचि पतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिषयुगानि अट्ट पुरिषपुग्गला एष भगवतो सावकसंगो याहुनयो पाहुनयो दाकिनयो आञ्जलकरणी अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसति संगं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। एतेन सच्च वज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन सच्च वज्जेन सर्वरोगा विनश्यतु। एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं। तीन बार सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। आप सबको मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, निरापद रहें। आप सब इन तीन रत्नों को अपने जीवन में धारण करके अपना मंगल करने के साथ
समस्त मानव जाति का मंगल करने में सहायक बने। इसी प्रकार से सबको साधुवाद, सबको मंगलमय थे, सबको मंगल कामनाएं। ये बौद्ध धर्म की बहुत महान परंपरा है कि जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो साधु मतलब होता है स्वीकार करना, साधु का मतलब होता है साधक, साधु का मतलब होता है हमने उसको बड़ा ही सुंदर चीज है, हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उस पे चिंतन मनन किया, और साधु का मतलब होता है हम स्वीकार करते हैं। तो कि हम जब कोई हमको बात अच्छी लगती है, ये आज नहीं, आज के 2500 साल पहले से ये परंपरा चल रही है कि जब हम कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो उसका अनुमोदन स्वीकृति हम साधुवाद करके देते हैं। तो हम अब उपासक रतन जी को हम सम्मानपूर्वक आपको निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने मुखारबिंद से धम्म दीक्षा का कार्य संपन्न करें। आदरणीय राजरत्न जी, जय 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 भीम, जय 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 भीम। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, सबसे पहले मैं उनको त्रिवार नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित वंदनीय बंते जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे साथ आए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के विश्वस्त ट्रस्टी शरद एटम जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत जाधव जी, और आप यहाँ पर सभी मेरे भाई बहन माताओं को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आयोजकों के नाम इंद्रराम महाराज जी, संचालक पवन कुमार वाल्मीकि जी, सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, अमन मनोज चंदेल जी, राहुल जी, संदीप सूद जी, राहुल तुषार कुणाल संजय और आकाश जी, और दिल्ली में उत्तर प्रदेश में यहाँ तक हाथरस तक हमारे साथ जिन्होंने डटकर हमारे साथ खड़े हुए, ऐसे हमारे ललित जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण। बंते जी ने कहा कि अभी बौद्ध धर्म दीक्षा की जो आखिरी फेज होता है वो होता है 22 प्रतिज्ञा, लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा मैं ऐसे ही नहीं देता हूं। जब तक आप लोगों को ये बात पता ना चले कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के माध्यम से आप लोगों के सपने तक बदल दिए हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हम लोग जातियों में बटे हुए थे, हर एक जाति का, सिर्फ जात नहीं है, हर एक जाति को उनका काम दिया हुआ है कि ये जात यही काम करेगी, हर जाति का काम निर्धारित है। बौद्ध धर्म से पहले हम लोग जातियों में बैठे हुए थे, नाई, नाई नाम की एक जात होती है, नाई क्या कहते हो आप लोग, नाई समाज को नहीं, वो उनको और कोई नाम है आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर नाई कहते हैं, आप भी नाई कहते हो, तो नाई समाज के लोग बाल काटने का काम करते हैं, चमार समाज के लोग जूता बनाने का काम करते हैं, अलग अलग जातियों को अलग अलग काम देकर रखा हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे महिलाओं के सपने कैसे बदल दिए पता है, नाई समाज की औरत स्त्री अगर गर्भवती होती 8 महीने की 9 महीने की तो उसे सपना क्या आता था पता है, पहले नाई समाज की औरत को सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे आज एक नाई बैठता है जो 60-70 साल का हो गया है, मेरे पेट में आज बच्चा है, वो 20 साल का जब हो जाएगा तो ये 60 साल का जो
पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई है जो लोगों के बाल काटता है और वहां से पैसे कमाता है, ये बूढ़ा हो चुका होगा। और मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई मरने को आया होगा और मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे जाकर बैठकर लोगों के बाल काटेगा। ये नाई समाज की औरत को सपना आता था, चमार समाज की औरत को क्या सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे आज एक वो आप लोग क्या कहते हो मोची हमारे यहां पर वो लोगों के जूते बनाने का काम करता है, जूते पॉलिश करने का काम करता है, आज वो 60 साल का हो गया है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो उसकी जगह पर आ जाएगा और वो सारे पैसे मेरा बेटा कमाएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आज हमारे औरतों को क्या सपने आते पता है? आज हमारी औरतें नाई समाज से बाहर आ गई, चमार समाज से बाहर आ गई, कल आप लोग वाल्मीकि समाज से बाहर आ जाओगे और क्या सपने देखोगे पता है? हमारी स्त्री हमारी माता अगर गर्भवती रही 8वें महीने में 9वें महीने, सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का हो गया। मेरा बेटा जब 20 साल का हो जाएगा तब ये रिटायरमेंट को आएगा, मेरा बेटा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। बाबा साहब ने इस जातियों से हमको बाहर निकाला और इतने बड़े सपने हमारे, ये जो सपने हमको आया करते थे वो सपने बदल कर इतने बड़े सपने हम लोगों को बाबा साहब के वजह से आज देखने मिल रहा है। और इसलिए हम लोगों को वो धम्म में आना है जिसमें कोई जाति नहीं है। कब तक लेकर चलोगे? आज एक कह देगा कि मैं ग्रेट चमार हूं, कल दूसरा खड़ा होकर के अच्छा तू ग्रेट है तो मैं भी कम ग्रेट नहीं हूं, मैं ग्रेट वाल्मीकि हूं, मैं ग्रेट जाटव हूं। तो कब आप लोग एक दूसरे में घुल मिलोगे? ये जातियों की दीवार कब तक खड़ी करोगे? उल्टी ये मजबूत होते जा रही है। जातियों की दीवार आपको गिरानी है। ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट जाटव, ग्रेट महार, ये क्या हो रहा है? हम बाबा साहब के विरोध में काम कर रहे हैं। एक दिन आप बौद्ध होकर दिखाओ, एक दिन इस देश में बौद्ध होकर दिखाओ, देख लो पूरा विश्व आप लोगों के पीछे खड़ा हो जाएगा, पूरा विश्व पीछे खड़ा हो जाएगा। इस देश का मीडिया आपका नहीं है। आपने देखा हमारी बेटी के साथ हुआ तो इसने कह दिया कि वाल्मीकि समाज के साथ हुआ है। ये देश की व्यवस्था आप लोगों को बौद्ध होने से रोकती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर ये बौद्ध हो गए तो पूरे देश इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को 1956 में जाते जाते बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। 70 दिनों में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देकर गए हैं कि अगर इस देश की व्यवस्था तुमको न्याय नहीं दे पाई तो विश्व के सामने जाओ, ये लोग तुम लोगों को न्याय देंगे। आज हमारी केसेस, मैं यहां भारत में किसी से निवेदन नहीं करता, ना तो राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं ना तो प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। वाल्मीकि समाज के साथ जो भी हुआ हमने एक मैसेज पास ऑन किया। आज वाल्मीकि समाज के लिए लंदन में धरने हो रहे हैं, यूके में धरने हो रहे हैं, यूएस में धरने हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में धरने हो रहे हैं और यूके में वहां के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में साइन करके प्रस्ताव पारित किया है कि इस देश में वाल्मीकि समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप लोगों ने शायद एफिडेविट पढ़ा नहीं होगा, वो एफिडेविट मेरे पास भी है, सभी वकीलों के पास भी है। मीडिया क्या बता रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ यही नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ बलात्कार नहीं, ये तो कौन सा मर्डर का मामला है, ऑनर किलिंग का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका जवाब दिया और उनको ये कबूल करना पड़ा
कि ये बलात्कार का मामला है, सामूहिक बलात्कार का मामला है, ये ताकत है आप लोगों की, भारत के बाहर जो आवाज उठी है ये उसकी ताकत है। अगर उन्होंने ये कहा होता कि बलात्कार ही नहीं हुआ है, पूरा विश्व आज आप लोगों के वहां पर यूनाइटेड नेशन में उन लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी है। वाल्मीकि सभा यूके की, यूएस की, ये सभी लोग आज आप लोगों के पीछे खड़े हैं। इस ताकत को पहचानो, इस ताकत को पहचानना है। यहां पर आवाज करने से कुछ नहीं होगा, पुलिस उनकी, कोर्ट उनका, कलेक्टर उनका, डीएम उनका, डॉक्टर उनके, वो करेंगे, वही रिपोर्ट देंगे, वही सब होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को पूरे विश्व में जो प्लेटफॉर्म दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशंस को कंप्लेंट दायर की, सुप्रीम कोर्ट में मेरी इसी मामले में पिटीशन आज मेरे ख्याल से वो लिस्ट हो गई है। डीएम को, एसएसपी को, कलेक्टर को, सबको पार्टी बनाने की मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। चार लोग बच्चों, वो लड़कों को फांसी तो हो गई ही, लेकिन ये जो प्रशासन लगा हुआ है उसको अगर शासन नहीं हुआ तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात करनी जरूरी है। और हम लोग सिर्फ धर्मांतरण का काम नहीं कर रहे हैं कि वहां से बाहर आ जाओ, एक अच्छी व्यवस्था हम भारत में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बौद्धों की एक खुद की यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं। आज देखो आप लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है? सुबह गए स्कूलों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यही शुरू है। हमारा इतिहास ही पढ़ाया नहीं जाता, बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता, महर्षि वाल्मीकि के बारे में नहीं बताया जाता, गुरु रविदास जी के बारे में बताया नहीं जाता, बुद्ध के बारे में बताया नहीं जाता। और इसलिए हमारी शिक्षा की व्यवस्था हम खुद करेंगे, पूरे देश भर में हमारे खुद के स्कूल होंगे, खुद के अस्पताल होंगे, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। अगर ये अस्पताल आपका होता तो क्या आपके बेटी की कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था? नहीं, कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था आपकी, झूठी रिपोर्ट? और इसलिए इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म आप लोगों को प्रगति करना सिखाता है, अपने दिमाग को गुलामी से बाहर लाना सिखाता है। यह किसी का द्वेष नहीं करता, यह एक्सट्रीमिज्म का कि बहुत कट्टर आप लोगों को नहीं बनाता। और इसलिए हम लोगों को उस धम्म की ओर बढ़ना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझ कर ये बौद्ध धम्म प्रतिज्ञा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद सोच समझ कर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक एक प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई है। ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रतिज्ञा दी है ये आपके दिमाग को गुलामी से बाहर लाने की प्रक्रिया बताई है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, फिर आप लोग मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ताकि वायरस से अपने मोबाइल को दूर रखो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा ही एक एंटीवायरस तैयार किया। रोज ये वायरस, ब्राह्मणी धर्म का वायरस, हमारे दिमाग में घुसता रहता है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसता है। बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे कार्टून देखते हैं, क्या कार्टून देखते हैं पता है? छोटा भीम, बाल गणेश, कृष्णा, दिन भर उनके दिमाग के ऊपर यही आता है। आप लोग भी सीरियल देखते हो, सीरियल देखते हो, महिला टीवी देखते हो, फिर क्या देखते हो? संतोषी माता, करवा चौथ, ये दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहता है, दिन भर ये शुरू रहता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस तैयार किया। ये वायरस घूमता रहेगा। मैंने, आप लोगों ने दीक्षा के फॉर्म लाए हैं, मुझे दो। ये जितने भी लोग, अभी तक आप लोगों की दीक्षा हुई नहीं है, जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं होती तब तक आप लोगों की दीक्षा नहीं होगी।
ये दीक्षा लेने वाले लोगों के सर्टिफिकेट्स हम बनाकर लाए हैं, इसके पीछे हमने कुछ बातें छापी हुई है। पहले है त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा रोज पढ़ा करो, जब भी आपको लगे कि ये 33 करोड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये निकाल कर पढ़ा करो। और ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, यह हम आगे सामूहिक तौर पर खड़े होकर हम लोग इस 22 प्रतिज्ञा को लेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये एंटीवायरस हमको दिया है। ये सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को आपके घरों में आपके दिमाग को गुलामी से बचाते हैं। और इसलिए मैं आपको पूछता हूं, कितने लोग बाबा साहब ने दिए हुए इस 22 प्रतिज्ञा को लेना चाहेंगे? सभी लोग लेना चाहेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही एक छोटी सी विधि रखी है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा अपने दिमाग से आपको पढ़नी है, सिर्फ जबान से नहीं, आपके मन से पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या है, क्यों बाबा साहब ने ऐसा लिखा होगा, क्यों बाबा साहब ने हमको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दी होंगी। और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को आज का ये बौद्ध धर्म दीक्षा का समारोह पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसका जो आखिरी भाग है 22 प्रतिज्ञा ये अपनाने के लिए आप लोग अपने जगह पर खड़े रहे। और जिस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिस तरह से शपथ लेते हैं, ऐसे मुद्रा में, ऐसे अवस्था में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। और मैं ये जो प्रतिज्ञा बता रहा हूं उसके पीछे पीछे आपको ये दोहरानी है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा तथा इनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी या देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं सभी प्राणी मात्राओं पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के तीन तत्व यानी ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयोग करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रों को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धर्म ही सत्य धर्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं
ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आप लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा यहां पर पूरी होती है और सबके सर्टिफिकेट्स यहां पर है। ये सर्टिफिकेट्स डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था द्वारा आप लोगों को दी जा रही है। ये संस्था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से अटैच है। 125 देशों से ये संस्था अटैच है और मैं इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं हूं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ये 125 देशों का संगठन है। हर दो साल में ये एक बार मिलती है, 5 दिन का इनका कॉन्फ्रेंस होता है, 5 दिन का सम्मेलन होता है, अलग अलग देशों में होता है और मैं इन 125 देशों का सेक्रेटरी हूं। मैं सिर्फ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, इस 125 देशों का, जहां पर देखो अब यहां पर हम लोगों को सारा डीएम मिलने को नहीं आएगा, कलेक्टर मिलने नहीं आएगा, लेकिन हम जब जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, हमारे बाद मोदी का नंबर आता है। इतनी ताकत बाबा साहब अंबेडकर जी हम लोगों को देकर गए, ये ताकत पहचानो। वियतनाम में पिछले साल जब हम थे तब भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां पर बुलाया गया था, 10 मिनट का स्पीच वहां पर देकर उनको वहां से रवाना किया गया, लेकिन 5 दिन तक वो सारी परिषद हमारे सामने बैठी हुई थी। इतनी बड़ी ताकत है हमारी। आप लोग इंटरनेट पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में सर्च कर लो, आपको सारे देशों की सूची वहां पर मिल जाएगी। आज एक निवेदन अगर हम इनके सामने रखते हैं, सभी लोग आप लोगों के मदद के लिए आते हैं। आज हम हमारी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक रात में आप हमारी यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी और पूरे विश्व के लोग आपके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को देकर जाएंगे। कल तक आपके बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के लिए खड़े किए जाते थे, आपके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब हमको देकर गए हैं, इस व्यवस्था को अपनाओ। इस व्यवस्था के ऊपर हम लोगों को चलना होगा और इसलिए हमने कहा कि देखो महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, इस कलम को हटाकर हमारे हाथ में झाड़ू दे दिया गया।